आराम से आराम से आराम से, जरा आराम से बोलो। सोजी, पता नहीं कब सुधरेगी ये, जरा तो कम कर अपना वॉल्यूम। अरे तेरे वॉल्यूम की वजह से मेरे बेटे के कान दुख रहे होंगे, जितना उसका पैर नहीं दुख रहा उतने तो कान दुख रहे होंगे। साइलेंट ले सौरत, बाकी सब ले, तुम बड़ी फुल हो। मैं हुई फुल? यस यस, वी नो यू आर फुल। यस आई एम फुल। चलिए धीरे धीरे, आराम से बेटा आराम से। बिठाओ के मैं आपको। शर्मिला, इतना भी कमजोर नहीं हुआ हूँ मैं जो सहारा लेके बैठू, अपने पैर पे बैठ सकता हूँ। वेरी गुड माय सन, दैट द स्पिरिट। यस मां। हाँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा सर, क्या ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सुन भाई, रुमिला, पापा का सिर्फ कप गिरा है, मेरा पूरा शरीर ऊपर से नीचे गिरा है। ओह नो माय सन। बोल रही थी मैं बैठ देती हूँ, पर नहीं, अपनी मनमानी करनी है। बैठ गया ठीक से? बैठ गए बैठ गए। अभी कैसा लग रहा है? पहले से उनकी तकलीफ कम है। जवाब तो क्यों दे रही है? सवाल मेरे बेटे से पूछा जा रहा है, उसका जबान नहीं दुख रहा, पैर दुख रहा है। सवाल के जवाब दे सकता है वो? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? या मैंने इसकी जबान पकड़ के रखी है? मैं ये सोच रहा था कि काम पे जाता हूँ आज। क्यों जाना है काम पे? शर्मिला रानी, अगर काम पे नहीं गया ना तो खाने के वांदे हो जाएंगे। अरे क्या बेटा, लुक एट योर हालत, तो ठीक से चल नहीं सकता, ठीक से बैठ नहीं सकता। बैठ तो सकते हैं, अभी बैठे तो है। नो बेटा, ये देख, मैं तुझे जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी, तो कहीं नहीं जाएगा। माँ डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा काम पे, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा समझ से मत हूँ, आपको बिल्कुल काम पे नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। अरे तुझे नहीं बोला ना, एक बार में समझ में नहीं आता केकड़े, जब काम पे जाना होता है तो घर बैठता है, जब घर पे बैठने की जरूरत है तो काम पे भागने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या, जब वो घर पे रहता है तब आपको तकलीफ, अभी काम पे जा रहा है फिर भी आपको तकलीफ। आप मुझे बताइए, आपको मेरे बेटे से इतनी तकलीफ 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 क्यों है? अरे तकलीफ, आपने मुझे तकलीफ। मैं टकली नहीं बोलना चाहता था तुम्हें, गलती से मुंह से निकल गया, मैं बोलना चाहता था तकलीफ। ये देख, मुझे तुझसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बस तेरी भलाई का सोच रहा हूँ। पापा देखो, मुझे काम पे जाने दो, इसी में सबकी भलाई है। आज ऑफिस में ऑडिट है, बॉस के भी बॉस आने वाले, मुझे इतना कुछ शौक नहीं है, पर बॉस ने पर्सनली मुझे कॉल करके बोला है कुछ भी हो जाए तुम्हें आना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो मेरी नौकरी के ऊपर खतरा है, इसलिए जाने दो मुझे। देखिए अभी आपने ठान लिया तो जाइए, पर हाफ डे करके आना वापस। बेटा आराम से जाना, कॉल करना पूछने के बाद। आई एम फाइन। कहो तो मैं आऊ आपको छोड़ने? कोई जरूरत नहीं है उसकी, सुन भाई। क्यों प्रवीण? यस पापा, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ अपने पैर पे। और टिफिन लेके जाइए, रुके। हाफ डे है उसका। हाफ डे है, पर वैसे भी वो दो डब्बे लेके जाते हैं, हाफ डे होने पे एक, फुल डे होने पे दो, बहुत भूख लगती है इनको। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है, तुम भी स्कूल में दो टिफिन लेके आती थी। नहीं, मेरे लिए नहीं लाती थी दो टिफिन, आपके लिए एक लाती थी, मेरे लिए एक लाती थी। अच्छा, मेरे लिए लाती थी और खुद ही खाती थी। हमरा जिया धड़के, हमरा तन मन धड़के। का हुआ रे, इतना मुंह खोल के काहे हंस रहा है? आपका ये गाना बहुत फनी है मामी। तो हर बीवी की शक्ल से तो कम ही फनी है। मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर। बहुत कुटा है प्रवीण भाई को, इतनी बुरी हालत हो गई है ना उनकी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, ये चोर चकोरे आज रात को कहीं आपको ना पीट दे। ओए बहुरिया, सुप सुप बोल। ठीक है, इनको छोड़ के आपको पीट दिया तो मजाक कर रहे हो। सुशील, हम क्या बोलते हैं, तो हर बॉसी का बिटवा पहलवान की करता है गांव में, उसको बुलाते हैं यहाँ पे। हाँ, इट्स ग्रेट आइडिया। खाने का एक और मुंह बढ़ जाएगा उसका क्या। पहले ही बदाम महीने के 3-4 किलो लग रहे, अभी वो तो कितना खाएगा पता नहीं। भैया,
और पेट में खाए दुख रहा है। हम हमारी बिटवा का बादाम पैसा खाते हैं, पैसों का बादाम खाते हैं। तब देखो तब हमारा बादाम निकालते रहते, ये कौन है हमारा बादाम निकालने वाले? शांत बात करती है बड़े मुंह वाली। हम जा रहे मंदिर, समझी ना? कॉल मत करना बेटा हमको, वो कहा है आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है तो हम शाम को ही आएंगे। सोमो मैं भी जा रहा हूँ जरा बाहर। ओके अच्छा, सावधान रहना, सतर्क रहना, चोरी हो सकती है। सबसे बड़े चोर तो आप हो। मैंने मैंने क्या चोरी की? मेरे दिल की। चलो ये तो गई सोसाइटी से। शर्मिला टिफिन दो। इतना धीरे से क्यों बात कर रहे हो? पता नहीं बस ऐसे। अरे क्या हुआ? दुख नहीं लगा क्या? देखो मैं पहले ही बोल रही थी आपका दुख नहीं लगेगा बाहर आने के बाद, और पिन जाने के बाद तो और दुखेगा। अगर तुम बोलना बंद नहीं करोगी ना तो एक कप टूट जाएगा। भी बात करती रहती है, जा रहा हूं मैं। क्या है यार शर्मिला, बेस्ट ऑफ लक मत दो। बेस्ट ऑफ लक शादी से पहले मेरे दोस्त ने दिया था बेस्ट ऑफ लक, उसका बैड लक अब तक भुगत रहा हूं। श्रेया के पापा, अभी कैसा है आपका पैर? ठीक तो लग रहा है आपको? अभी बिल्कुल दुख रहा है थोड़ा 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 थोड़ा। बस इधर से लेके इधर तक। अरे बाबा, फिर तो आपका पूरा ही दुख रहा है। श्रेया के पापा, मुझे ऐसा लगता है आपको रेस्ट की सख्त जरूरत है। नहीं, मैं रेस्ट नहीं ले सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरी फैमिली को भूखा सोना पड़ेगा। श्रेया के पापा, अभी आपकी फैमिली को आपके जॉब की नहीं आपकी तबीयत की ठीक होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करोगे? मैं आपको नहीं जाने दूंगी श्रेया के पापा, आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं शर्मिली जी, आप मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने नहीं कहा ना श्रेया के पापा, आप काम पे नहीं जाओगे। शर्मिली जी जिद मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। नो श्रेया के पापा, मैं आपको काम पे नहीं जाने दूंगी। शर्मिली जी, श्रेया के पापा, श्रेया के पापा, मुझे ऐसे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वो क्या है, ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि आज इम्पोर्टेंट ऑडिट है, तो भले ही दुख रहा है पर काम पे तो जाना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा ठीक है, जाइए। शर्वरी जी, आप मुझे नीचे तक थोड़ा सहारा दे सकती हो क्या? वो सीढ़ियां है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। ससुर जी, चलो एक और आदमी सोसाइटी के बाहर गया। क्या हुआ? सुनो भाई, मंदिर जाना है ना आपको? हाँ मंदिर जाना तो आज रह गया, जाना है मंदिर। अच्छा हुआ तुमने याद कर दिया, या प्रवीण की वजह से दिमाग से ही चला गया मेरे। आता हुआ? हाँ अच्छा सुनिए ना, इनका पैर जल्दी से ठीक हो जाए इसके लिए प्रार्थना करना। ये भी चले गए। चलो मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, माँ घर पे नहीं है आज, सत्संग में गई है, शाम को आएगी। मैं भी शाम को आने वाला हूँ। ठीक है। तो तुम्हें अगर कहीं बाहर जाना हो तो दरवाजे को लॉक करके जाना, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। आई मीन सोसाइटी के बाहर का कोई आए तो। कहाँ जाती हो अभिजीत में? और अगर जाऊंगी तो लॉक लगा के जाऊंगी, डोंट वरी। खास करके वो लोग जो चीजें बेचने आते हैं ना, ये ले लो वो ले लो, उनको तो बिल्कुल घर के आसपास भटकने मत देना। ठीक है। छुआ तो मुझे कॉल करना। और एक बात, हो सके तो आज घर पे ही रहना, कहीं बाहर जाना मत। अभिषेक इतना क्यों डर रहे हो तुम? अभी दिन है, चोरी चकोरी अक्सर रात के वक्त में होती है। ऐसा नहीं है शीला, चोर सुबह भी चोरी कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या है हमारे इलाकों में बहुत सारे न्यूज आ रही है चोरों की, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है मुझे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, बस अब जाओ तुम।
हेलो शर्मिला। हेलो सुमित्रा। क्या बात है, नई नई साड़ी कैसी लग रही है? ठीक है, कहाँ से ली वैसे? ये और बता। छुट्टी ने दी है, बहुत महंगी साड़ी है। छुट्टी जैसी ऑन ब्रांड। कुछ नहीं, प्रवीण भाई ने देखा क्या नए वॉचमैन का कुछ? काय का कुछ, अभी इनका तो पैर आज ठीक हुआ है, पहले काम पे गए, वॉचमैन देखने बाद में जाएंगे। मैंने उनको कहा भी नहीं कि आप वॉचमैन ढूंढो, ये करो। सुशील भाई को कोई और मिला कि नहीं? अरे सुशु क्या बस वही काम का है क्या? उन्होंने तो वॉचमैन लाया भी था, वो भी ब्रांडेड वॉचमैन लेके आए थे। क्या क्या उसका भगा दिया? मेरी गलती है क्या उसमें? नहीं, मैंने भगाया क्या? कोलकाता वाले ने भगाया ना, सोचा उसको जॉब लगने के बाद थोड़ा सुधर जाएंगे मैडम पर, और बिगड़ गया। हेलो शर्वरी। हेलो जोया। मनोज का नाम लिया, मनोज हाजिर। शर्वरी जी, दिल पे हाथ रख के कहना, आपको किसी को परेशानी में देखना बहुत अच्छा लगता है क्या? जी जी जी, मत करो, सारी परेशानी की जड़ तुम हो जड़। अरे जब देखो तब सोसाइटी में परेशानी बखेड़ा खड़ा कर देती है, तेरी वजह से कितने सारे लड़कों का दिल टूटा है, कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है तूने, हर बार कुछ ना कुछ भूचाल ला देती है सोसाइटी में तू। और नहीं तो क्या शर्वरी, आपका हर बार कही है, आपकी वजह से कभी भी सोसाइटी में सुख और शांति मिला ही नहीं किसी को। उरी बाबा शर्मिला जी, जितनी अशांति आप सुशीबेन और सुमित्रा जी फैलाती है ना, उतनी सोसाइटी में कोई फैला नहीं सकता। क्या बोली तू? हम अशांति फैलाते हैं। आप अभी भी अशांति ही फैला रहे हो। एक बार तूने बॉडीगार्ड का कोट पहन के वकीलगिरी क्या की, झूठ मूठ की थी वो भी, पर खुद को क्या वकील समझने लगी है क्या तू? बार बार उसका साइड लेती है, साइड हीरोइन कही क्यों? कम से कम मैं हीरोइन तो हूँ, आप तो शर्मिला जी की साइड किक हो। ले इतना शोर शराब वकील, क्या हुआ, क्या बोल रही है सर्वरी बहन? शशि बहन, ये दोनों सुंदरिया का की बंदरिया बोल रही है, हम अशांति फैलाते हैं। कौन? मैं, ये तू। बाबू सर्वरी जी, आपको क्या लगता है हम अशांति फैलाते हैं? अरे असली अशांति तो आप और आपकी दोस्त फैलाते हैं। उस दिन बराबर उस अभिजीत की माँ ने इसको डांटा, ये उसी के लायक थी। दामाजी का नाम लिया, दामाजी आंख, दामाजी वो क्या है, नया सोसाइटी में वॉचमैन ही नहीं मिल रहा है, तो देखो ना अगर आपको जमता है तो आप आज भी करो सोसाइटी की देखभाल। माफ करना शर्मिला जी, मैंने आपसे भलाई करना छोड़ दिया है। क्या है, भलाई से किसी का फायदा नहीं है, उल्टा लोग आपकी बुराई करते हैं भलाई से। वो कहते हैं ना, दूसरों का अच्छा करने से पहले खुद का बच्चा संभालना चाहिए। तेरा कहाँ है बच्चा? सुमित्रा जी शब्दों से खेलिए मत, मेरा मूड अभी बिल्कुल मजाक करने का नहीं है। ये अभिजीत बराबर तो बोल रही है मेरे दोस्त, गलत क्या बोला उसने? तूने जो बोला उसी का तो जवाब दिया। देखिए मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की, सबकी हेल्प की, मौके मौके पे, टाइम टाइम पे, पर बदले में मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय लोगों का गुस्सा, लोगों की डांट के। इसलिए मैंने अब छोड़ दिया है सब कुछ करना, मैं बस मेरी फैमिली का और मेरा खुद का ख्याल रखूंगा, बाकी चीजें जाए भाड़ में। तो आइंदा से अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा सिवाय अपनी फैमिली की। वाह 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 अभिजीत, तू तो ऐसा बात कर रहा है जैसे पूरा दूध का धुल गया हो, तेरे वजह से वो वॉचमैन चला गया है, तूने अगर उसको नहीं पीटा होता ना तो आज वो यहाँ पे नीचे वॉचमैन गिरी कर रहा होता और हम सब सेफ होते, पर नहीं, लड़की बाजी में बड़ा माहिर है तो इसलिए मार दिया उसको। बोल ना बोल, आप चुप क्यों है? अरे सुमित्रा भाई शांत, अरे शांत बैठो। और तेरी वजह से ही वो चला गया है, अभी तू अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं झटक सकता। बोलती रही आप, मैं जा रहा हूँ, मुझे बाकी के भी काम है। तुम भी बोलो कुछ। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती ना दामाद, सच में श्रेया की दादी जो बोलती है ना वो एकदम बराबर बोलती है, एक नंबर का फुसका है तू, फुसका। मुझे पसंद है वो नाम। तू फुसका और तेरी दोस्त ठुसकी। अरे वाह, ये भी चला गया, अब सोसाइटी के अंदर जाने का रास्ता एकदम साफ है।